What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 30th October 2019 वेनसडे है, सुबह के 8 बज रहे हैं। कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हमने टेक्निकल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया था प्राइस चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में बुलिश फ्लैग डेवलप हो चुका था और वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई किया था। तो टेक्निकल लेवल्स हमें पहले ही सिग्नल्स दे रहे थे कि यहाँ से बुलिश एक रैली देखने को मिल सकती है, एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि 10 बजे एक न्यूज़ टीवी चैनल्स के ऊपर चल रही थी जो स्टॉक मार्केट के टैक्स है, DDT हो, STT हो, LTCG हो या फिर STCG हो, इनको गवर्नमेंट रिवाइज कर सकती है, ऐसा न्यूज़ टीवी चैनल्स के ऊपर 10 बजे के आसपास दिखाई दे रहा था। तो इस न्यूज़ के चलते काफ़ी ज़बरदस्त तेजी मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप यानी निफ्टी इंडेक्स भी तेजी की तरह टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए हमें देखा। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है निफ्टी के लिए, कहाँ पर अगर करेक्शन आता है, कल ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का जंप देखने को मिला निफ्टी इंडेक्स में, तो करेक्शन आता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का यानी 29th October, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,678 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,591। तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन होने के बाद ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही हमारा ब्रेकआउट लेवल इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,695 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ और सेकेंड टारगेट 11,714 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ। और थोड़ी देर यहाँ पर इसने पॉज लिया था और जैसे ही सेकेंड टारगेट के भी ऊपर ये सस्टेन हुआ तो और भी तेजी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। निफ्टी एनालिसिस शुरू करने से पहले ग्लोबल मार्केट के हालात भी देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए। डाव जोन्स और नाजडैक ये देखिए हल्के से दबाव के साथ यहाँ पर कल बंद हुए। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं, निक्केई चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट, तो ये भी अभी फिलहाल थोड़े से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। कल यूरोपियन मार्केट देखे तो लंदन मार्केट और जर्मन मार्केट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। डाव फ्यूचर की इस समय बात करें तो 19 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और SGX निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी इस समय मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। एक बार मंथली चार्ट से शुरू करेंगे क्योंकि यह मंथ खत्म होने में सिर्फ अभी 2 दिन बाकी है। यह मंथली चार्ट का सिनेरियो है। हमने हर एक महीने के फर्स्ट डे को मंथली चार्ट का भी एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में ट्रेंड प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रेंड का, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेजेस है जो कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, ये असेंडिंग ऑर्डर में और इसके ऊपर अभी भी ये निफ्टी इंडेक्स मंथली चार्ट में इसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। 20 EMA का इसने सपोर्ट लिया था अगस्त में और इसने अभी टूवर्ड्स फिर से एक बार नॉर्थ की तरफ बाउंस बैक मूवमेंट यहाँ से दिखाना शुरू किया है। तो लास्ट मंथ का इसने हाई यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अभी अगर प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो चांसेस है कि यहाँ से अपसाइड रैली कंटिन्यू देखने को मिले। प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज होता है तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है मंथ बाय मंथ, ये वॉल्यूम भी है इंक्रीज हो रहा है। हालांकि मैगडी अभी भी निगेटिव है, पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर नहीं दिखा रहा है मैगडी। हालांकि प्राइस एक्शन में अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर देखा था। ये है कप और ये है उसका हैंडल। तो अभी इसके नेक लाइन का भी यहाँ पर कल हमें ब्रेकआउट मिला है। तो अभी इस नेक लाइन के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है
तो हमें यहाँ से और भी अपसेट रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है वीकली चार्ट में। अभी वीकली चार्ट में ये वीक कंप्लीट होने में भी 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो देखना ये होगा कि नेक लाइन के ऊपर ये क्लोज हो पाता है या नहीं। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो स्ट्रक्चर। वीकली चार्ट में भी बुलिश बन रहा है, ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है लास्ट 4 वीक से। तो चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर बात करें तो कल हमने यहाँ पर बुलिश फ्लैग को आइडेंटिफाई किया था, ड्रॉ करके भी दिखाया था कल के वीडियो में, तो इसका अपर लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। तो अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, जहाँ पर निफ्टी को तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है उस लेवल के ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था। वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये यहाँ पर शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक बना था, डोजी भी कह सकते हैं इसे, और इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिला था नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर एक हर्डल हो सकता है 11,797-800 के पास, जहाँ पर पास्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ से एक टर्न हुआ था, निफ्टी इंडेक्स यहाँ से टर्न हुआ था। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये जो 700 का लेवल था, ये 11,007 यहाँ से पास्ट में निफ्टी इंडेक्स टर्न हुआ था, तो यहाँ पर दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। अभी यहाँ पर 11,800 के पास भी यहाँ पर पास्ट में इसने टर्न दिखाया था एक बार, ये देखिए यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बन के ये करेक्शन दिखाया था। तो इस लेवल के पास 11,800 के पास एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर ये क्लोज सस्टेन करता है तो यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा 11,976 यानी ऑलमोस्ट 12,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। 11,800 के बाद 12,000 ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। 800 के ऊपर सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है, तो हमें 12,000 के लेवल निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये है डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं क्विकली, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है ये आइडेंटिफाई करेंगे। कल ज़बरदस्त एक अपसाइड रैली देखने को मिली थी, तो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो इसका जो हाई था 11,809 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,827, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,8555, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो दो बियरिश कैंडलस्टिक्स है इसका अगर लो यानी 11,775 ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली टारगेट होगा 11,761, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,741, ये हमारा यहाँ पर सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर यहाँ से करेक्शन भी आता है तो ये जो अपसाइड रैली हमें देखने को मिली है इसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर ड्रॉ करें तो फर्स्ट सपोर्ट 11,734 के पास आ रहा है। सो अगर यहाँ से अगर लॉन्ग पोजीशन भी बनाना है तो ये जो सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पर आप एक बार फिर से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए, ठीक है। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।